हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सो स्वागत है अपने एक नए नए वीडियो में। सो अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। सो दोस्तों, जैसे आज का टॉपिक है कि जो बैंक्स के रिजल्ट आ रहे हैं Q4, जब अभी तक HDFC बैंक, ICICI बैंक के रिजल्ट आए हैं, इनके जो NPA के फिगर हैं, क्या ये यस बैंक के लिए भी एक गुड साइन है? क्योंकि ICICI बैंक और HDFC बैंक के जो NPA के फिगर हैं, वो कहीं ना कहीं जो दिसंबर में इन्होंने रिस्ट्रक्चर किया था कि हमारे इतने एनपीए हो सकते हैं, उससे कम आया है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो यस बैंक ने दिसंबर 2020 में एक 8,000 करोड़ रुपए का एनपीए बोला था कि ये कोविड रिलेटेड एनपीए हो सकते हैं, उससे कम होंगे क्या? सो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे लाए हैं तो प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जैसे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले चलते हैं आप एक पुराने इंटरव्यू पे यस बैंक के। आप देखिए, दिस इज द पीक इन टर्म्स ऑफ एनपीए एंड स्लिपेजेस। ये दोस्तों एक क्वार्टर रिजल्ट आया था जनवरी में, उसके बाद जो है यस बैंक के सीईओ ने एक इंटरव्यू दिया था। थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं उस इंटरव्यू में यस बैंक के सीईओ ने क्या बोला हुआ था। आवर स्टैंडिंग इज दैट द पीक इन टर्म्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड स्लिपेजेस एंड इट विल नाउ स्टार्ट कमिंग डाउन। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो यस बैंक का स्लिपेज है और एनपीए है, वो ये पीक पे हो चुका है और वहां से ये कम होगा, इससे बढ़ेगा नहीं। ओके, सी ये बोल रहे हैं कि कलेक्शन एफिशिएंसी 96% तक हो चुकी थी पिछले वाले क्वार्टर में और 97% तक उसके पहले प्री कोविड रिलेटेड था। मींस लगभग लगभग जो है कलेक्शन एफिशिएंसी प्री कोविड रिलेटेड तक पहुंच चुका था। और नीचे आते हैं, इट इज टाउन द अकाउंट्स हैज बीन रीच्ड ऑलमोस्ट प्री कोविड रिलेटेड। मतलब जितने भी इनके तरह के बिजनेस थे प्री कोविड रिलेटेड, सब जो है उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन दिसंबर इतना द यस बैंक जो है, आपको मालूम होगा कि ऐसे 150 करोड़ रुपए के इन्होंने पिछले वाले क्वार्टर में प्रॉफिट शो किया था। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे बड़ी चीज, कि द यस बैंक ऑल्सो इन्वोक लोन रिस्ट्रक्चरिंग 8,062 करोड़। तो यहाँ पे पॉइंट अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा कि पिछले वाले क्वार्टर में यस बैंक ने बोला था कि 8,062 करोड़ रुपए का एनपीए। गॉट माई पॉइंट? तो ये वाला फिगर, तो इन्होंने बोला था कि प्री कोविड रिलेटेड, जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हटेगी कि हम ठीक है, जितने भी प्री कोविड रिलेटेड एनपीए हैं कोविड रिलेटेड, वो हटा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। तो यस बैंक ने बोला हुआ था कि 8,062 करोड़ रुपए का इनका एनपीए हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम ही होगा। सो क्या दोस्तों ये 8,062 करोड़ रुपए का जो एनपीए है, क्योंकि अब जो है सभी बैंक एनपीए शो कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का वो गाइडलाइन भी बोल दिया है कि नहीं, अब जो है सभी बैंक अपना एनपीए शो कर सकते हैं जो भी कोविड रिलेटेड एनपीए है, तो क्या दोस्तों 8,062 करोड़ रुपए का एनपीए आएगा? मेरा मानना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी बैंक हैं लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन दोनों ने जितना भी एनपीए बताया हुआ था दिसंबर में, इन लोगों ने भी बताया हुआ था, उससे जो है एनपीए कम आए हुए हैं। तो दोस्तों ठीक है, हम सीधा आते हैं अभी आईसीआई बैंक के, ये जो क्वार्टर रिजल्ट आईसीआईसी बैंक का, इस पे थोड़ा सा एनपीए का फिगर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, पिछले वाले क्वार्टर में इनका 4.38% का ग्रॉस एनपीए था, अभी के एनपीए 4.96% था। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है थोड़ा मोड़ा कोविड रिलेटेड एनपीए जो है बढ़ना लाजमी था, और कोविड रिलेटेड एनपीए अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल है। ठीक है, यहां से ये चीज दो आंकड़े देख के आपको लगता है ये दिसंबर 2020 का है, ये मार्च 2021 का है। 4.38% से 4.98 96% का हो गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये ICICI बैंक का है, सेम चीज जैसे HDFC बैंक का था। तो हम यहाँ पे अपना पॉइंट है कि क्या जो है ये यस बैंक वाला, ये वाला जो फिगर था, ये जो है 8,062 करोड़ रुपए का एनपीए बोले थे कि कोविड रिलेटेड एनपीए हो सकता है, ये जो है इससे कम ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, मे बी इसका आधा या 3,000 4,000 करोड़ रुपए का एनपीए होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है दोस्तों कि ऑलरेडी इन्होंने 2,683 करोड़ रुपए का रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया है, और वो उसमें जो है इसका प्रोविजनिंग जो है लगभग हो चुकी है। देखिए,
मतलब 8,062 करोड़ रुपए का प्रोविजनिंग कर दिए हैं, इसको मान के कितना एनपीए हो जाएगा, उसका प्रोविजनिंग कितना हुआ है 2,683 करोड़। अब आप ये गेस कीजिए आप अपने दिमाग से कि चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, जितना एनपीए का फिगर बोले थे उससे ये कम आया हुआ है, लगभग आधा आया हुआ है। ठीक है, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का जो डेडलाइन थी उसके बाद, तो यस बैंक ने जो 8,062 करोड़ रुपए का एनपीए है ये भी जो है कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू करेगा, और लगभग इतना एनपीए नहीं, लगभग आप समझ लीजिए 3,500 करोड़ का एनपीए लगभग कोविड रिलेटेड है, वो अभी तक यहाँ पे आएगा, और वो भी जो है रिकवरी होगी बाद में, लेकिन यहाँ पे लगभग इतना शो करेगा उसका। अब ध्यान देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, 3,500 करोड़ रुपए का एनपीए, उसमें जो है ऑलरेडी 2,683 करोड़ का प्रोविजनिंग हो चुकी है, गॉट माई पॉइंट, तो लगभग 600-700 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में और होगी, गॉट माई पॉइंट, मतलब मार्च क्वार्टर में जो प्रोविजनिंग का डेटा है वो लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग होगी। वो किस लॉजिक से होगी मैंने आपको बताया, क्योंकि लगभग 3,500 करोड़ रुपए के लगभग एनपीए आएगा, 2,683 करोड़ का ऑलरेडी प्रोविजनिंग हो चुकी है, बचे जो है 3,500 करोड़ माइनस 2,683 करोड़, 600 से 700 करोड़ रुपए का प्रोविजनिंग और करनी है। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं, नीचे आइए यहां से, द प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैज मेड रिकवरीज अबाउट 3,000 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है ये पहले कर चुके हैं, और बोले हैं कि इस फिस्कल में 5,000 करोड़ की रिकवरी होगी, कब तक, 31 मार्च 2021 तक, और वो जा चुका है, अभी कितना है, आज है 25 अप्रैल, तो मतलब आप अकॉर्डिंग टू द इनके जो यस बैंक के सीईओ है अपने, इनका इंटरव्यू है, और इनके इंटरव्यू के हिसाब से 5,000 करोड़ रुपए का रिकवरी हो जानी चाहिए, 3,000 करोड़ रुपए पहले हो चुकी थी और 5,000 करोड़ की अभी होगी, तो 2,000 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी। चलिए मान लेते हैं कि 2,000 करोड़ की रिकवरी ना होने पाए, 500 करोड़ की रिकवरी कम हुई, तो आप मान लीजिए 2,000 करोड़ माइनस 500 करोड़, ये कितना होगा, 1,1500 करोड़ की रिकवरी। ठीक है, मतलब रिकवरी 1,500 करोड़ की रिकवरी हो गई, जनरल ऑपरेशन से ये लगभग 400 करोड़ रुपए का अगर प्रॉफिट शो कर लिए, 400 करोड़ रुपए का, तो टोटल प्रॉफिट इनके बैलेंस शीट में कितना आ गया, 1,500 प्लस 400 करोड़, दिस इक्वल टू 1,900 करोड़, गॉट माय पॉइंट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,900 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में। अब इसमें प्रोविजनिंग कितनी हो गई, प्रोविजनिंग का डेटा मैंने आपको अभी समझाया कि लगभग 700 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग होगी, तो टोटल 1,900 करोड़ माइनस 700 करोड़ कितना हो गया, लगभग 1,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट 1,200 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में Q4 में आपको शो करना चाहिए। अगर 1,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो हो गया तो ईपीएस बुक वैल्यू लगभग अभी कितनी है, 14.80, इतना आने के बाद कितना हो जाएगा, लगभग ये लम सम 16 के अबाउट पहुंच जाएगा, और ईपीएस भी इनका जो है अभी तक निगेटिव से लास्ट क्वार्टर में आ गया था 0.03 करके, वो भी लगभग ऊपर की तरफ जाएगा, और यहां से एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, और शेयर जो है अपने बुक वैल्यू के 16 मल्टीप्लाइड बाई दुगने पर ट्रेड करना चाहिए, लगभग 32 रुपए के आसपास जो है आफ्टर Q4 रिजल्ट पे ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल में समझाया, अगर कोई भी पॉइंट आपको इधर ना समझा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, मैंने एक एक पॉइंट करके आपको समझाया हुआ है, कोई उल्टी सीधी चीज नहीं, हर एक चीज लॉजिक के हिसाब से। तो आप 30-32 रुपए का टारगेट प्राइस इस Q4 के रिजल्ट के बाद, ऐसा मेरा मानना है कि आपको शो कर सकता है, और यहाँ पे थोड़ा मोड़ा ज्यादा भी कर सकता है, क्योंकि रिकवरी मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा हो गई, तो ये प्रॉफिट थोड़ा सा 1,500-1,200 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।